आपको अंदर से मजबूत बना देंगी यह बातें। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था, राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है, जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा है, हम तो फिर भी इंसान हैं। कोई रिजेक्ट कर दे तो उससे दूर नहीं होना है, बल्कि उसके सामने रहकर कुछ ऐसा करना है कि वह आपको रिजेक्ट करके पछताए। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें, बल्कि इसलिए कि कोई आपको ना दबा सके। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, तो मान लीजिए कि आप उस दिन कामयाब हो गए हैं। सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। लोग जब अनपढ़ थे तो परिवार हुआ करते थे, और आज टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। होंगे तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, झलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो, वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो रखो। जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। बचपन में भरी दोपहरी में ना पाते थे पूरा मोहल्ला, जब से डिग्रियां समझ में आई पांव जलने लगे। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूँ। हम ना नास्तिक हैं ना आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या फिर धर्म हो, किसी भी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरे की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदलें, क्योंकि पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। कुछ करने का ढोंग करके आप दूसरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हो कि आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हो। इसलिए कम से कम खुद से तो ईमानदारी से रहो और सही दिशा में काम करो। औरत को महज एक औरत नहीं समझना, यह वह हस्ती है जो साथ दे तो भिखारी को राजा बना देती है, और बगावत पर उतर आए तो महलों को भी मिट्टी में मिला देती है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। दिल तो रोज कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्या धोखा दोबारा चाहिए। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख भी लेना चाहिए। आंखें भी खोलनी पड़ती हैं साहब उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं चला जाता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रु की आवश्यकता होती है। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती हम आधा सुनते हैं,
चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी करते हैं। मजबूत इंसान देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो गया है। गलतफहमी का एहसास तो तब हुआ जब हमने कहा रुको मत जाओ, और वह समझे रुको मत जाओ। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी उस बात का उसे एहसान मत जताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। संघर्ष थकता जरूर है, पर हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वह एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। पैसा कमाना क्यों जरूरी है? बिना खाए सोया तो पता चला कि पैसा जरूरी है। बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। आगे की पढ़ाई को छोड़ते देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। पापा को छुट्टी वाले दिन भी काम पर जाते देखा तो पता चला पैसा जरूरी है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, लेकिन जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हम। माफ़ करना है जिंदगी, तुझे ही नहीं जी पा रहे हम। कभी अकेले में बैठकर अपने आप से एक सवाल करो, इस बात की चिंता करो कि मेरे ना रहने से किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ता है उसके लिए जिंदगी जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। यकीन मानिए जीने में मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।